देख रहे हैं राजस्थान किसान .com। आज हमारे साथ SFI के प्रदेश अध्यक्ष और SFI के प्रदेश महासचिव दोनों ही हैं। हम दोनों से बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। पहले मैं आपको दोनों से मिला देता हूं। SFI के मेरे दाएं तरफ बैठे SFI के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पुनिया और बाएं तरफ बैठे हैं SFI के प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह चारण। पहले हम बात करते हैं सुनील पुनिया से। सुनील जी, अब के दौर में शिक्षा के अंदर काफी बदलाव हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? जो वर्तमान की सरकार है ये मनुवाद की विचारधारा पे चलने वाली है और ये सिलेबस के अंदर भी उसी को ला रही है, नई भर्तियां निकाल रही है और जो भर्तियां निकाल रही है वो कोर्ट के अंदर ले जाके अटका रही है। इसको कोई छात्र को किसी गरीब बच्चे को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस सत्ता में आना था और केंद्र में भी सत्ता झूठे वादे करके आई है और राज्य में भी सत्ता झूठे वादे करके आई है। प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनने से पहले वादा किया था कि विद्यार्थियों को 15 लाख नौकरियां देगी, तो उसके बारे में SFI ने ना तो कोई आवाज़ उठाई ना कोई आंदोलन किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं जी, हम लड़ाई लड़ी है, SFI ने बिल्कुल लड़ाई लड़ी है। हरेक कॉलेज स्तर पे, सरकारी स्कूल के स्तर पे अगर कहीं शिक्षक की कमी है वहाँ भी हमने मांग की है, कॉलेज में शिक्षक की कमी है वहाँ पर भी SFI ने मांग उठाई है और आगे भी जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ जहाँ स्कूल में जिस चीज़ की भी शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी कमी है उसको हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, तो उन दोनों की नीतियों में कुछ फर्क है विद्यार्थियों की? जी नहीं जी, कोई सी भी पार्टी हो किसी में कोई अंतर नहीं है, दोनों शिक्षा विरोधी हैं और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और शिक्षा को एक बाजारी वस्तु बना के पेश कर रही है। महिपाल जी, जिस प्रकार से SFI केरल में मजबूत है, पश्चिम बंगाल में मजबूत है, उतनी मजबूत हमारे राजस्थान में नहीं है, उसके क्या कारण है? देखिए, जो जहाँ भी SFI बेसिकली विद्यार्थियों से मतलब जो वैज्ञानिक और जनवाद की बात करता है, शिक्षा प्रणाली की बात करता है, जब हम SFI के बनने की बात करते हैं तो केरल और बंगाल त्रिपुरा उधर आप जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे शिक्षा के स्तर के साक्षरता दर के बढ़ने के चलते वहाँ पे ताकत के साथ लोग SFI के सिद्धांत को, इस लड़ाई को समझते हैं और शिक्षा का महत्व समझते हैं। राजस्थान में आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा कम है, उसका कारण है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा है और जाति धर्म के नाम पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं ना कि शिक्षा के इशू के नाम पे। इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ के आंदोलन में यहाँ के आंदोलन में हम तुलना नहीं कर सकते, वहाँ के स्थितियों में बड़ा बदलाव है, वहाँ की सामाजिक और शिक्षा की स्थितियों में सरकार की नीतियों में बड़ा फर्क है। इसलिए कहीं ना कहीं उस आंदोलन में जो है SFI का, जो राजस्थान का और केरल का मुकाबला नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर और बहुत सारे जो विद्यार्थी संगठन है, तो उन विद्यार्थी संगठनों में और SFI के अंदर क्या बड़ा अंतर मानते हो आप? देखिए, दूसरे छात्र संगठन, चाहे आप BBP की बात करेंगे चाहे NSU की बात, वो कहीं ना कहीं सत्ता के पिछले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का कहीं ना कहीं अंध समर्थन करते हैं। वो यदि सरकार की, यदि कांग्रेस की सरकार तो NSU का कोई किसी विद्यार्थी में बात नहीं होती, जहाँ आज वर्तमान में BJP की सरकार है तो ABP कोई किस पर काम नहीं करती। लेकिन SFI एक विद्यार्थी वो संगठन है जो सरकार चाहे BJP के हो, कांग्रेस को, चाहे दूसरी कोई सरकार हो, जो विद्यार्थी हितों की बात होती तो SFI इस बात को लेकर धरातल स्तर पर ताकत के साथ उसकी बात को करती है और हम मुद्दों की समझ रखते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम उस हर नीचे के तबके के विद्यार्थी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य शासन चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी भी पार्टी को सत्ता में लाना नहीं, जो कि ABP NSU कहीं ना कहीं BJP कांग्रेस की नीतियों का ही लागू करने का काम कैंपस के अंदर करते हैं, उसके खिलाफ है सबसे लड़ते हैं। राजस्थान सरकार उसमें का एकीकरण करती है, तो उसके बारे में SFI क्या विचार रखती है? देखिए, जो वसुंधरा सरकार जो 15 लाख का वादा किया था जो स्कूलों की अच्छी शिक्षा का, वो अच्छा वाले वाले लगा तो उन्होंने लोगों को 30,000 स्कूलों का उन्होंने कर दिया, तो उसके खिलाफ SFI ने ताकत के साथ बात रखी। हमने हमारी मांग के लिए पूरे राजस्थान में हमने 63 प्रकार के आंदोलन किए, हमने मांग की है कि एकीकरण करना चाहिए। जिस तरह से सरकार ताकत के साथ, जब आप सीकर देखेंगे, चाहे आप जोधपुर देखेंगे, चाहे आप बीकानेर देखेंगे, जिस तरह से सरकार जो SFI मांग करती है, लाठीचार्ज करने का काम कर रही है और हमारी मांग को सरकार को पता है कि SFI इस बात को ताकत कर रही है, इसलिए वो हमला करने का प्रयास कर रही है। लेकिन SFI इस बात को लेकर पूरे राजस्थान ताकत के साथ काम कर रही है, काम कर रही है। ताकत का जिक्र करेंगे आपके, आपने जिस प्रकार से सीकर के अंदर SFI उतनी मजबूत है, क्या काम रहेगा अन्य जिलों राजस्थान के जितने भी हैं उनके अंदर इतनी SFI मजबूत क्यों नहीं हो पाई? लेकिन सीकर में बेसिकली आज़ादी के समय से ही, आज़ादी के बाद में आप देखेंगे तो लोग अपने जनवादी अधिकारों को लेकर बड़ी ताकत के साथ लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसका कहीं ना कहीं छवि, उसका प्रभाव आज के नौजवान विद्यार्थियों में दिखता है जो कि दूसरे जिलों के साथ नहीं है। सीकर में जनवादी पुनिया जी को, पुनिया जी, जब कॉलेज के छात्र से चुनाव आते हैं तो अधिकांश बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जातिवाद और पूंजीवाद के अलावा चुनाव हो जाते हैं, तो उसके बारे में, और कहीं कहीं हिंसा भी होती है, तो उसके बारे में SFI क्या सोचती है? देखो जी, SFI के अलावा जो छात्र संगठन है
कैंपस के अंदर, उनके पीछे जातिवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें वो रहती है और वो अपना ताकत कैंपस में दिखाती है। वो छात्र संघ चुनाव के लिए घातक है, तभी जो छात्रों से जुड़े हुए जो मुद्दे वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन एसएफआई ऐसा नहीं करती, ना ही वो किसी गलत ताकत को साथ में लेके कैंपस में जाती है, वो सिर्फ छात्रों की ताकत को लेके कैंपस में जाती है और उन्हीं को आगे लेके लड़ाई लड़ती है और जीतती भी है। राजस्थान की जो चूरू जिला, उसके अंदर एसएफआई काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, छात्र संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों की मांगों को उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, चाहे चूरू हो चाहे अन्य कोई जिला हो, वहाँ जहाँ छात्रों के हितों की बात होगी वहाँ एसएफआई मजबूत होगी। तो ये थे हमारे साथ एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पुनिया और एसएफआई के प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह चारण। आप इसी प्रकार से देश और विदेश की खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान जान.com पर।